बातें आप लोग बोल रहे हैं, सब कुछ बहुत क्लियर है। फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी की जो हमारी जो क्लास चल रही है, अचीवर बैच या फिर सेकंड फाउंडेशन बैच में क्लासेस चल रही है, इसकी आपको ज्योग्राफी की आपको 25वीं क्लास देखने को मिलेगी, यानी कि क्लास नंबर 25 है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भूअगर के विज्ञान, नया यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये क्लास नंबर आपको सिर्फ 3 देखने को मिलेगी, भूअगर के विज्ञान की क्लास नंबर 3 है, या फिर आप लोग इसको जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से भी जानते होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और रिकॉर्डिंग पर भी लगा देते हैं क्योंकि आज ये डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास आप लोग जानते हैं कि इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी आ जाएं वो मैसेज जरूर करते हैं कि हम लोग आ गए हैं, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे कि भू आकृति विज्ञान में आखिर हमको क्या पढ़ना है, और अगर आज की क्लास किसी ने मिस कर दी तो उसे भू आकृति विज्ञान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। और यहाँ से ही समझ लीजिए, आज की क्लास से ही आपका 40% सिलेबस है वो आज कवर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, फिर टुकड़ों में पढ़ते हुए आगे निकल जाना है। लेकिन ये जो आज की वीडियो है, ये लिख लीजिए 100%, 200%, जितना परसेंट लगाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आप अभी 45 मिनट के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आज की वीडियो, आज की जो क्लास है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग भूआकृति विज्ञान में अध्ययन करते हैं, स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो उच्चावच पाया जाता है, तो ये उच्चावच है, इसका क्या कारण है, कहां से फोर्स लगता है, इनका निर्माण कैसे होता है, ओके, और इन स्थलाकृतियों का निर्माण है वो कैसे होता है, इनमें परिवर्तन कैसे आता है, इन्हीं सभी चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिस तरह से वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पर्वतों का निर्माण देख सकते हैं, घाटियों का निर्माण देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप झीलों का निर्माण देख सकते हैं, इन सभी का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक यही है हमारा। तो इन सभी चीजों का जो निर्माण होता है, इसके लिए कुछ फोर्स होगा, कुछ बल होगा, वो उत्तरदायी होगा ना, जिसके कारण सभी में परिवर्तन आता है। तो देखिए, आज हम इसी बारे में देखने जा रहे हैं, हम अपनी पृथ्वी के बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, एक आपको स्थिर देखने को नहीं मिलेगी, ये क्या है, घूमती रहती है भाई, ये टहलती रहती है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं भूसंचलन। ओके, क्या बोल देते हैं, भूसंचलन बोल देते हैं, अर्थ मूवमेंट बोल देते हैं। तो अर्थ मूवमेंट है, इसी का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं भूआकृति विज्ञान में। तो चलिए, आप लोगों को हेडिंग डालनी है यहाँ पर, भूसंचलन, भूसंचलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, आपको उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। देखिए, एक तो आपको ब्रह्मांड में वो चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन भी कर रही है, वो भी क्या है, उसकी गति है। लेकिन अभी हम कहाँ का अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम भूआकृति विज्ञान कर रहे हैं। तो भूआकृति विज्ञान में हम किस चीज का देखेंगे भाई, जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं, ये कैसे संचलित कर रही हैं। ओके, हम देखेंगे भू संचलन के बारे में। अब देखिए, अगर एक संचलन हो रहा है, एक गति हो रही है, तो इसके लिए कोई बल है वो उत्तरदायी होगा या नहीं होगा। बिना बल के ऐसा तो नहीं है कि ये जादू से यहाँ से वहां चली गई, कोई ना कोई तो फोर्स, कोई ना कोई तो बल यहाँ पर जरूर लग रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये भूसंचलन के कारण क्या है, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बल लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ओके, अब ये फोर्स की हम लोग बात करेंगे, और देखिए इसी भूसंचलन के कारण ही हमारी पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसी भूसंचलन के कारण, अर्थ मूवमेंट के कारण हमारी पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी के कारण पृथ्वी के ऊपर विभिन्न स्थलाकृतियां बनती हैं, स्थलाकृतियां हैं वो बनती हैं। तो ये यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, घाटियां, इन सभी का निर्माण होता है। ओके, लेकिन ये बल है, ये बल है जो फोर्स है, ये फोर्स है, ये आखिर कहां से लग रहा है, ये हम लगने की, अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो स्रोत के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, ये फोर्स है, कहीं ना कहीं से तो लग रहा होगा ना,
तो इसकी उत्पत्ति का स्त्रोत क्या है, उस स्त्रोत के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करके देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जो ये बल है, तो बल की उत्पत्ति उत्पत्ति के स्त्रोत के आधार पर, स्त्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स। ओके, इस बल का, इस फोर्स का सोर्स कहाँ है भाई? ओके, तो हम सोर्स की बात कर रहे हैं। तो स्त्रोत के आधार पर, वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो देखिए, ये जो इसका जो स्त्रोत आपको देखने को मिलेगा, ये दो आधारों पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये बल है, ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से लग सकता है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर से लग सकता है, या फिर हमारी पृथ्वी के बाहर से लग सकता है। बस आप लोगों को अच्छे से एक स्टोरी की तरह सुनना है, सब हलवों की तरह आपको पूरा जीव मॉर्फोलॉजी कवर करा देंगे, पढ़ा देंगे, बुक में ज्यादा रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो बल है, इसका अगर हम उत्पत्ति के आधार पर, इसके सोर्स के आधार पर अगर वर्गीकरण करें, तो या तो ये बल है वो अंदर की परतों से लगेगा, मतलब आंतरिक परतों से लगेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा ये पृथ्वी की जो बाह्य परत है, तो बाहर से भी तो लग सकता है, तो इसे हम बोलेंगे बाह्य परतों से बल लग सकता है। ओके, अब देखिए, जो अंदर से लगता है, ओके, तो अंदर से जो लगता है, इसी को हम बोल देते हैं आंतरिक बल, या फिर अंतर जात बल, या फिर इसको आंतरिक बल भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे, इंडोजेनिक। ओके, इंडोजेनिक फोर्स बोल देंगे। ओके, इंडोजेनिक फोर्स बोल देंगे। और अगर जो बाहर से लगेगा उसको क्या बोल देंगे, एक्सोजेनिक फोर्स बोल देंगे, यानी कि बाहर से लग रहा है तो भाई इसको एक्सोजेनिक फोर्स बोल दो। तो बाहर के परतों से जो लगेगा उसे हम बोलेंगे बहिर्जात बल। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स बोल देते हैं। ओके, अब देखिए, जो आंतरिक परतों के द्वारा बल लगता है, इसका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो अकेले 70% वेटेज यही रखता है। 70% आपके सिलेबस में लगभग में देखने को मिलेगा, यही वेटेज रखता है, और 30% ये आपको देखने को मिलेगा आपके सिलेबस में। जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो 3% बाह्य परतों के द्वारा जो बल लगता है वही सिलेबस कवर कर लेता है आपका, लेकिन आंतरिक परतों के द्वारा जो बल लगता है इसका सिलेबस थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 70% जो आपको जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतरजात बल है, इसका फिर से हम थोड़ा सा डिवाइडेशन करते हैं। अब देखिए, हमारे पास जगह नहीं है, हम वैसे इसी के नीचे डिवाइडेशन करते, लेकिन आप लोगों के पास जगह है तो आप लोग इसी के नीचे करिएगा, हम नेक्स्ट पेज पर जंप कर रहे हैं अभी। ओके, थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर जंप कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अंतरजात बल की बात करें, ओके, ये अंतरजात बल की ही हम बात कर रहे हैं। ओके, उसी के आगे आप लोगों को लिखना है, हम दोबारा से बोल देते हैं जिससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखिए, अंतरजात बल है, अब ये अंदर से बल तो लग रहा है, लेकिन बल क्या है, वो धीमे धीमे भी लग सकता है या फिर तेजी से भी लग सकता है, यानी कि बल की तीव्रता के आधार पर एक बार हम लोग वर्गीकरण करते हैं। हमने मान लिया, चलिए एक बल है वो अंदर से लग रहा है, तो हम अंदर के बल का अभी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भी जो बल लगता है ना, वो तीव्रता के आधार पर हम देख सकते हैं, यानी कि या तो वो बहुत तेजी से लगेगा, जिसे बोल देंगे सडन फोर्स बोल देंगे, या फिर क्या होगा, हल्के लगता रहेगा, दीर्घकालीन समय तक लगता रहेगा, मतलब लंबे समय तक लगता रहेगा, लेकिन हल्के लगेगा, जो आपको समानता कभी कभार महसूस भी नहीं होता है। तो अगर हम अंतरजात बल की भी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो बल की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण करें, ओके, वर्गीकरण करें तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, तीव्रता के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, बल लगेगा, अंदर से बल लग रहा है, लेकिन क्या लग सकता है, वो कम तीव्रता के साथ लगेगा, मतलब हल्के हल्के लगेगा, धीमे धीमे लगेगा, कम
तीव्रता के साथ लगेगा या फिर क्या होगा, अधिक तीव्रता के साथ लगेगा। क्या लगेगा? अधिक तीव्रता के साथ, मतलब अचानक से लगेगा, अधिक तीव्रता के साथ बल लग सकता है। अब देखिए, जो कम तीव्रता के साथ लगता है, ओके, कम तीव्रता के साथ होने वाले संचलन को कम तीव्रता के बल के कारण होने वाले संचलन को पटल विरूपण कहते हैं। इसको हमने एक नाम दे दिया, जो धीरे धीरे फोर्स लगता है, अंदर की परतों से ही लग रहा है, लेकिन जो धीरे धीरे लग रहा है, इसी को हमने एक नाम दे दिया, पटल विरूपण नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पटल विरूपण नाम दे दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे? पटल विरूपण बोलेंगे, पटल विरूपण। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायोस्ट्रोपिक, डायोस्ट्रोपिक मूवमेंट, डायोस्ट्रोपिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, पटल विरूपण किस प्रकार का फोर्स है? तो अंतर्जात बल है। ओके, कोई दो राय नहीं होना चाहिए इसमें। पटल विरूपण है वो तीव्रता के साथ लगेगा या फिर हल्के हल्के लगेगा। तो आपको बोलना है, पटल विरूपण है, जो पटल विरूपण संचलन होता है वो कम तीव्रता के साथ अंतर्जात बल के कारण होता है। ओके, तो आप लोगों के लिए इस तरह से कनेक्टिविटी बना करके चलनी है। ओके, और वहीं अधिक तीव्रता के साथ जो बल लगता है और उसके द्वारा अगर कोई संचलन होता है, तो अधिक तीव्रता के कारण होने वाले संचलन को संचलन का मतलब क्या है? मूवमेंट। ओके, होने वाले संचलन को बोलते हैं आकस्मिक बल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या लग रहा है? अचानक से लग रहा है भाई। आकस्मिक परिस्थितियां आप लोगों ने सुनी होंगी, आपातकालीन परिस्थितियां सुनी होंगी। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? अचानक से। आपने सुना होगा आकस्मिक घटनाएं। ओके, आकस्मिक घटना का मतलब क्या है? जो अचानक से हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक संचलन। ओके, आकस्मिक संचलन बोलते हैं। ओके, और आकस्मिक संचलन को ही इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए यहां पर हमको इस कलर से लिखना चाहिए था लेकिन हमने कलर चेंज नहीं किया। ओके, इसी को बोलते हैं सडन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकस्मिक संचलन को ही क्या बोलते हैं? सडन मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। क्योंकि भाई ये क्या हो गया? सडनली हो गया, अचानक से हो गया। ओके, जैसे अचानक से कौन कौन से बल लगते हैं? जैसे अचानक से भूकंप आ जाता है। भूकंप आ जाता है वो किस प्रकार का है? आकस्मिक बल है। ओके, सडन मूवमेंट के अंतर्गत आता है। आपको देखने को मिलेगा अचानक से ज्वालामुखी फट जाए। ज्वालामुखी का फटना क्या है? सडन मूवमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाए, बहुत बड़ी मात्रा में लैंड कोलैप्स कर जाए कहीं पर अचानक से। तो ये सब फोर्स होते हैं, पृथ्वी के अंदर से लगते हैं और एक क्या है? सभी के सभी सडन फोर्स हैं। ओके, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, लेकिन अभी हम लोग आते हैं पटल विरूपण के ऊपर, देखते हैं इसका भी थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं। पटल विरूपण, तो पटल विरूपण है मतलब जो धीरे धीरे फोर्स लगता है, तो वो किस दिशा में किस प्रकार से लग सकता है, हम उनके आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इसका यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को नेक्स्ट पेज पर लिखने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? यहां से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं इस पटल विरूपण के बारे में, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो पटल विरूपण, पटल विरूपण विरूपण संचलन, देखिए जो पटल विरूपण संचलन है ये आपको तीन तरह का देखने को मिलेगा। पटल विरूपण संचलन है ये कितने प्रकार का होता है? ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है विवर्तनिक संचलन, एक होता है जिसको हमने नाम दिया है विवर्तनिक विवर्तनिक संचलन का नाम दिया है। ओके, और आपको दूसरा जो देखने को मिलेगा, पहला तो हो गया विवर्तनिक संचलन जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। ओके, क्या बोलते हैं इसको? टेक्टोनिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत ही आता है, जिसको बोलते हैं समस्थैतिक संचलन। क्या होता है? समस्थैतिक संचलन, समस्थैतिक संचलन बोलते हैं। इसको बोलते हैं आइसो स्टैटिक
मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और इसी तरह से एक आपको देखने को मिलेगा सम स्टैटिक के साथ में एक देखने को मिलेगा सू स्टैटिक। ओके, एक सम स्टैटिक संचलन होता है और वहीं एक दूसरा देखने को मिलेगा सू स्थैतिक संचलन आपको देखने को मिलेगा, सू स्थैतिक स्थैतिक संचलन आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक। ओके, आइसोस्टेटिक या फिर आइसोटोपिक मूवमेंट कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं जो विवर्तनिक संचलन होता है ये क्या होता है। तो विवर्तनिक संचलन के कारण स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। जो विवर्तनिक संचलन है, व्हाइट कलर से लिखते हैं, जो विवर्तनिक संचलन है इसके कारण स्थल जो स्थल स्वरूप हैं, स्थल स्वरूप हैं, तो स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो विवर्तनिक संचलन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट होता है इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा पर्वतों का निर्माण होता है। जो फोल्डेड माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं के द्वारा बनते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी होती हैं वो भी इसी के द्वारा होती हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि जो घाटियों का भी निर्माण आपको कुछ देखने को मिलेगा वो घाटियां जिसको भ्रंश घाटियां बोलते हैं। ओके, तो इनका निर्माण किसके कारण होता है? विवर्तनिक संचलन के कारण होता है। इसके अलावा आपको कटक देखने को मिलेंगे तो कटकों का निर्माण किसके कारण होता है? विवर्तनिक संचलन के कारण होता है। ओके, तो जैसे कि पर्वतों का निर्माण, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि पर्वतों के अलावा आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पठार होते हैं ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो कटक होते हैं तो इन सभी का निर्माण किसके कारण होता है? जो विवर्तनिक संचलन होता है इनके कारण होता है। ओके, अब देखिए जो समस्थैतिक और सुस्थैतिक संचलन क्या है। देखिए इनके द्वारा स्थल खंडों की उत्पत्ति नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्थल खंडों की उत्पत्ति कौन करता है? विवर्तनिक संचलन करता है। लेकिन जो समस्थैतिक और सुस्थैतिक का काम क्या होता है? ये संतुलन की अवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम आपको समझाते हैं समस्थैतिक और सुस्थैतिक क्या होता है। जो समस्थैतिक और सुस्थैतिक होता है बस ये बैलेंसिंग, मतलब आपको कंडीशन ऑफ इक्वलिटी की चीज देखने को मिलेगी। मतलब जैसे कि अगर ये हमारा धरातल है, ओके, मानते हैं ये क्या है? हमारा धरातल है। अब इसके ऊपर आपको बड़ी बड़ी चट्टाने भी देखने को मिलेगी, मतलब ऊंचे ऊंचे स्थलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी आपको, नीची नीची स्थलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको पता है हमारी पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारी लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी इस तरह से लेयर पाई जाती हैं। अब मानते हैं इस लेयर पर क्या है आपको देखने को मिलेगा? एक पर्वत है। अब मानते हैं माउंट माउंट एवरेस्ट को ही ले लेते हैं, या कोई भी पर्वत ले लीजिए, कोई भी पठार ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया, देखिए एक पर्वत बनाया। ओके, अब पर्वत बनाया तो पर्वत क्या है, इसकी ऊंचाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वैसे ये क्या है कि आपको धरातल मतलब देखने को मिलेगा कैसी लेवल है एक तरह से मान लेते हैं। ओके, अब पर्वत है, पर्वत की क्या है? हाइट ज्यादा होती है। क्या है? इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ओके, ऊंचाई ज्यादा है। ओके, क्या है? ज्यादा है। अब देखिए जिस चीज की ऊंचाई ज्यादा होती है, अब देखिए ये पर्वत है, अब पर्वत ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ धरातल पर ही होगा। अब देखिए अगर जितनी ऊंची संरचना होती है उसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो उतनी पृथ्वी की गहराई तक उसका बेस देखने को मिलेगा, वरना क्या हो जाएगा? वो धुड़ुम से गिर जाएगा। कभी आपने देखा कि जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी पड़ती है उससे कहते हैं कि नींव अच्छी डालो, मतलब गहरी नींव डालनी पड़ती है। जब आप लोगों ने कभी घर बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमें क्या डालनी पड़ती है? नींव गहरी डालनी पड़ती है अगर हमें बहुत ऊंचा घर बनाना है। और ऊंचा बनाना है तो और गहरी हमको नींव डालनी पड़ेगी, वरना क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो अभी आप लोगों के पास में पेन है, तो पेन है, अगर आपका पेन इतनी हाइट है तो आप लोग थोड़ा सा अगर जमीन के अंदर दबाएंगे तो रुक जाएगा। लेकिन एक पूरी सरिया ले लीजिए, 20 फीट की सरिया ले लीजिए, और 20 फीट की सरिया को उतना ही आप उसको अंदर दबाएं जितनी आपने पेंसिल अपना पेन दबाया है, तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगर आपको उस सरिया को खड़े रखना है तो क्या करना है? उसको ज्यादा अंदर तक ऐसे गार्ड करके रखना पड़ेगा अगर उसकी हाइट ज्यादा है, अगर उसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो देखिए यही नियम, सेम नियम क्या होता है यहां पर भी लागू होता है। क्या होता है? सेम नियम क्या होता है यहां पर भी लागू होता है। अगर अगर किसी चट्टान की, किसी स्थल खंड की अगर ऊंचाई ज्यादा है
तो वो उतनी ज्यादा गहराई तक, उतनी ज्यादा गहराई तक क्या होगा, अंदर होगा। ओके, तो मानते हैं ये क्या है, इतनी गहराई तक अंदर है। ये इतनी गहराई तक अंदर क्यों है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी है भाई, ऊंचाई इतनी होने के लिए इसको इतनी गहराई के अंदर जाना पड़ा। लेकिन सोचिए, अब ये हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना। अब हम दो कंडीशन लेते हैं, क्या लेते हैं, दो कंडीशन लेते हैं, तो दो कंडीशन यहां पर ले लेते हैं। जैसे ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम मानते हैं इसकी हाइट कम हो गई। इसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई, मतलब क्या हो गया, ऊपर से कट फट गया। आप कहेंगे कैसे कट फूट गया, मतलब एक तरह से इसका भार कम हो गया। क्या हो गया, इसका भार कम हो गया, जैसे नदियां इससे गुजरी, पवन गुजरी, उसने इसका क्या कर दिया, कटान कर दिया। आपका वीडियो नहीं आ रहा, ओनली साउंड आ रहा है। ओके, क्या आप लोगों को वीडियो नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली हमें तो वीडियो दिख रहे हैं। एक बार बताइएगा, आप लोगों को वीडियो नहीं आ रहा है क्या, अब आ रहे हैं। ओके ओके, थोड़ी समस्या आ गई होगी, हमने एक्चुअली आप लोगों के मैसेज नहीं देखे। तो देखिए, एक बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, हम इसकी क्या कर देते हैं, हाइट कम कर देते हैं। मतलब क्या किया हमने, इसकी हाइट को कम कर दिया। अब क्या हुआ, मानते हैं ये इतना इसका कटान हो गया भाई, क्या हो गया, पर्वत है, इसका कटान हो गया। अब इतना पर्वत बचा, यानी कि इसका क्या हो गया, भार कहीं ना कहीं कम हो गया। इसका भार था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, और इसकी हाइट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई। अब देखिए, अगर हाइट कम हुई तो इसका भार कम हुआ, भार कम हुआ तो अभी इतने अंदर तक नहीं रहेगा। अब देखिए, इसका जो बेस है, पहले ये यहां तक था, लेकिन अब क्या करेगा, ये यहां तक ही जाएगा अंदर, क्या करेगा, पृथ्वी के अंदर यहां तक ही जाएगा। यानी कि ये कटान की जब प्रक्रिया होगी, अब प्रक्रिया होगी तो इसका जो आधार है, अब आधार पहले ज्यादा होगा, तो अब क्या होगा, इसका आधार जो अंदर जो घुसा हुआ पार्ट है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा। क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करता है। एक्चुअली फिर क्या हो गया, ओके फिर से सही हो गया। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो इसने क्या किया, संतुलन में आने का प्रयास किया, संतुलन में आने का प्रयास किया। संतुलन में आने का प्रयास क्यों किया, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा अब इसकी इसकी हाइट कम हो गई, हाइट कम होने से इसका भार कम हो गया, भार कम होने से तो भाई ये अधिक गहराई में इसको नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। जैसे कि कोई नाव है, या फिर पानी में डूबा हुआ कोई लोटा है, उसमें से आप थोड़ा सा पानी निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। वो क्या कर रहा है, किसकी कोशिश कर रहा है, वो संतुलन में आने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी जो चट्टाने हैं वो भी सेम इसी तरह से व्यवहार करती हैं। अब मानते हैं हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, सेकेंड कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, इसकी ऊंचाई बढ़ा देते हैं, या फिर इसका भार बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इसका भार बढ़ा देते हैं। आप कहेंगे भार कैसे बढ़ गया, मानते हैं इस पर्वत के ऊपर बहुत सारी बर्फ आकर के लद गई। इसके ऊपर क्या हो गई, बहुत सारी बर्फ आकर के लद गई, बड़े अब बर्फ आएगी तो इसके ऊपर लदेगी, तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, भार है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए बना देते हैं इस तरह से, ये पहले पर्वत था, क्या था, ये पहले पर्वत था। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इस तरह से बर्फ की चादरें इस तरह से लाद देते हैं। ये क्या हो गया, बर्फ की चादरों की वजह से इसका क्या हो गया, भार बढ़ गया। अब इसका क्या हो गया, भार हो गया, वो बढ़ गया। अब देखिए, इसका अगर भार बढ़ जाएगा, अब भार बढ़ जाने के लिए इसको संतुलन की अवस्था में आना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा भाई। तो इसको संतुलन की अवस्था में आने के लिए इसको थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, इस अवस्था में ये थोड़ी सी पहले की कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा अंदर तक चला जाएगा। क्या होगा, इसमें ज्यादा अंदर तक इस बार इसका बेस हो जाएगा। तो देखिए, आपने देखा किस तरह से ये चट्टानें हैं अपने संतुलन में आने का प्रयास करती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समस्थैतिक संतुलन, समस्थैतिक संचलन बोलते हैं। क्योंकि ये संचलन क्यों हो रहा है, इस संतुलन की अवस्था में आने के लिए संचलन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं समस्थैतिक संचलन बोल देते हैं, संचलन बोल देते हैं। ओके, इससे देखिए स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं हो रहा है, बस क्या कर रही हैं, ये अपनी उस कंडीशन में आने का प्रयास कर रही हैं जिससे बैलेंस बनाए रखें। ओके, तो समानता की स्थिति में आने के लिए ये संचलन होता है, ये मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं
समस्थैतिक संचलन बोलते हैं। अब देखिए समस्थैतिक संचलन और सुस्थैतिक संचलन है, दोनों एक ही है, बस फर्क इतना है, देखिए फर्क इतना है, यही कंडीशन, ये स्थल के ऊपर होता है, ये क्या होता है स्थल खंड के ऊपर होता है, ओके, स्थल या फिर आप बोल सकते हैं इसको ये महाद्वीप पर होता है, महाद्वीप पर होता है, ओके। और ये आपको देखने को मिलेगा अगर इसी तरह का कहीं प्रोसेस, इसी तरह की अगर कहीं प्रक्रिया जिसमें जो चट्टाने होती हैं वो अपने संतुलन में आने का प्रयास करें और संचलन करें, तो इसके लिए हम सुस्थैतिक बोल देते हैं, जब जब इस प्रकार की प्रक्रिया महासागरों के अंदर होती है, यानी कि सागरों के अंदर होती है, यानी कि महासागरों के अंदर, या फिर सागर आप कुछ भी बोल सकते हैं, महासागरों के अंदर, महासागरों में होने वाले समस्थैतिक संचलन को, समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं, सुस्थैतिक संचलन कहते हैं, समझ गए। एक कहां हो रहा है, एक महाद्वीपों के ऊपर हो रहा है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा महासागरों के, तो महासागरों के अंदर होने के कारण ही हमने इसको दूसरा नाम दे दिया, सुस्थैतिक का नाम दे दिया, समस्थैतिक है मतलब ये महाद्वीपों के ऊपर हो रहा है, ओके। तो आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग मैप बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा मैप बना लीजिए, इसमें क्या होता है यह ऊपर जाने का प्रयास करती है, जब क्या हो जाता है इसका खटान हो जाता है, लेकिन अगर किसी चट्टान के ऊपर, अगर किसी चट्टान के ऊपर भार बढ़ा दें, तो चलिए व्हाइट कलर से इसके ऊपर भार बढ़ा देते हैं किसी कारणवश, तो क्या होगा ये थोड़ा सा नीचे जाने का प्रयास करेगी, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये क्या करते हैं इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा संतुलन की दशा में आने का प्रयास करते हैं, संतुलन की दशा में आने का प्रयास करते हैं, ओके। कंडीशन ऑफ इक्वलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, समझ में आया। लेकिन अभी हम लोग विवर्तनिक संचलन देखते हैं, देखिए विवर्तनिक संचलन में क्या हो रहा है, स्थल स्वरूपों का निर्माण हो रहा है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, स्थल स्वरूपों का निर्माण हो रहा है, तो ये जो ये संचलन है, तो संचलन एक किस प्रकार से होगा, चलिए हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं, और इसका कारण क्या होता है, इसके लिए भी कोई फोर्स लगता है, तो कौन सा फोर्स लगता है जिस कारण विवर्तनिक संचलन हो जाता है, चलिए हम लोग इसको समझने का एक बार प्रयास करते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं विवर्तनिक संचलन, ओके, विवर्तनिकी संचलन, ओके। तो देखिए जिसको टेक्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं, ओके। तो देखिए जो विवर्तनिक संचलन है, अगर हम इसका विभाजन करें, ओके, अगर हम इसका विभाजन करें बल की दिशा के आधार पर, मतलब जो बल है वो किसी ना किसी दिशा पे तो लग रहा होगा, सबसे पहले हमने बल देखा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया, फिर हमने बल का जो फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था, फिर हमने उसका वर्गीकरण किया तीव्रता के आधार पर, मतलब कितनी तेजी से लग रहा है या फिर धीमे से लग रहा है, तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण किया। अब विवर्तनिक संचलन है, इसमें भी हम लोग वर्गीकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्गीकरण करते हैं वो दिशा के आधार पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं बल की दिशा के आधार पर वर्गीकरण। देखिए आप लोग अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को समस्या आएगी, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास जरूर होने चाहिए, जो कि आपके द्वारा बने ही होने चाहिए। देखिए अगर हम बल की दिशा की बात करें, तो देखिए बल है वो दो दिशाओं से लग सकता है, कितनी दिशाओं से लग सकता है, दो दिशाओं से लग सकता है, या तो वो ऊर्ध्वाधर दिशा से लगेगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, ओके, इस तरह से लगेगा, ऊर्ध्वाधर लगेगा, जिसको वर्टिकल फोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग सकता है, जिसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा, क्या हो सकती है, क्षैतिज दिशा में
बल लग सकता है। तो चलिए हम लोग दोनों को देख लेते हैं। तो पहला लग सकता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दिशा में, उत्पन्न बल, ओके। तो देखिए जो ऊर्ध्वाधर जिसको वर्टिकल भी बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हमारे पास अभी जगह कम है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें लिखानी है। दूसरा जो बल लग सकता है वो क्षैतिज दिशा में लग सकता है, क्षैतिज दिशा से उत्पन्न, बल। ओके, तो देखिए जो आपको देखने को मिलेगा ऊर्ध्वाधर हो मतलब वर्टिकल हो, ऊपर नीचे हो, इसी के लिए बोल देते हैं, इसी का नाम दे दिया है आपको देखने को मिलेगा महादेश जनक बल, नाम दे दिया है महादेश जनक संचलन या फिर बल आपको देखने को मिलेगा। इसी को क्या नाम दिया है, महादेश जनक, महा देश जनक विवर्तनिक संचलन जिसको नाम दिया है। ओके, इंग्लिश में लिख लीजिए संचलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इप्रोजेनिक मूवमेंट। ओके, देखिए अब देखिए ऊर्ध्वाधर लग रहा है मतलब या तो ऊपर लगेगा या फिर नीचे लगेगा। तो देखिए ऊर्ध्वाधर लग रहा है या तो ऊपर लगेगा या फिर नीचे लगेगा, यहाँ पर जगह नहीं है, अभी हम आपको आगे लिखाएंगे, आप लोगों को इसी के नीचे जस्ट लिखना है। देखिए क्षैतिज दिशा में अगर बल लग रहा है, क्या लग रहा है, क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं मतलब पर्वत निर्माणकारी बल भी इसको बोलते हैं। क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल को पर्वत निर्माणकारी बल भी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रकार का होता है जिसमें ऐसी बाउंड्री होती है जो संरक्षी होती है, संरक्षी बाउंड्री। देखिए क्षैतिज दिशा में किस तरह से बल लगता है आपको एक बार बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बल है वो क्या होगा, क्षैतिज दिशा में लग रहा है, लेकिन पहली कंडीशन देखिए, सबसे पहले प्लेट क्या होता है, प्लेट समझ लीजिए। प्लेट क्या है, जो ऊपर की हमारा जो स्थलखंड है उसी को हमने नाम दे दिया है, प्लेटों का नाम दे दिया है। हमारा जो स्थलखंड है वो सिर्फ एक देखने को नहीं मिलेगा बल्कि बहुत भागों में डिवाइड देखने को मिलेगा, जिसमें जिसको हमने नाम दे दिया है, प्लेट का नाम दे दिया। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बारे में नोट मत करिएगा, अभी जब महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी जब हम आपको पढ़ाएंगे तब वहां पर ये चीज नोट करा देंगे। इसको नोट नहीं करना है, बस समझ लेना है एक बार। जैसे देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हमारी इस तरह से क्या थी, प्यारी पृथ्वी थी। जब हमारी पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ था, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब हमारी पृथ्वी का विकास हुआ था, तो वर्तमान में इस तरह से जो आपको महाद्वीप देखने को मिलेंगे, महासागर देखने को मिलेंगे, ये नहीं थे। बल्कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, आपको देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक महासागर और एक आपको महाद्वीप देखने को मिलेगा। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक, आपको इस तरह से बीच में आपको स्थल खंड देखने को मिलेगा, और इसके चारों ओर, इसी स्थल के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से जल भरा हुआ था। तो चलिए ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या था, इस तरह से जल भरा हुआ था। देखिए तो ये जल भरा हुआ था तो इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया पैंथालसा। इसको नाम दिया, ओके। और देखिए जो बीच में आपको देखने को मिलेगा ये एकमात्र इसमें महाद्वीप था जिसको नाम दिया था पैंजिया। क्या नाम दिया था, पैंजिया नाम दिया था, ओके। तो पहले जब हमारी पृथ्वी थी, जब इसका विकास हुआ, तब सिर्फ एक महाद्वीप था जिसको नाम दिया गया था पैंजिया नाम दिया गया था, और एक ही सिर्फ महासागर था जिसको पैंथालसा नाम दिया गया था, ओके। जो ये पैंथालसा क्या है, ये महासागर है, ओके। तो ये चीज आपको देखने को, और वर्तमान में जो पैंथालसा का शेष भाग बचा हुआ है वो माना जाता है कि जो वर्तमान में शेष भाग बचा है, वर्तमान में लिख लीजिए कभी एक बार, हो सकता है पूछ ले कि वर्तमान में पैंथालसा का जो शेष भाग है वही प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशन के नाम से आप लोग जानते होंगे, तो प्रशांत महासागर ही पैंथालसा का शेष भाग है। तो आपको ये किस तरह से सारी चीजें डिवाइड हुई, देखिए ये स्थलखंड था, आपको महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो महाद्वीप था ना, इस समय के साथ कई भागों में डिवाइड होने लगा।
तो प्रारंभ के बाद दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या परिवर्तन आया। तो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, हमारी पृथ्वी तो वैसी ही रहेगी, क्या रहेगी हमारी पृथ्वी है वो तो भाई वैसी ही रहेगी। अब इसमें क्या था, जो ये पैंजिया था ना, ये पैंजिया दो भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब बीच में इसमें क्रैक पड़ गया। अब क्या हो गई, बीच में दूरियां बढ़ गई भाई, बीच में क्या हो गई, दूरियां बढ़ गई इसके। आपको देखने को मिलेगा ये पैंजिया ही था, ये दो भाग में डिवाइड हो गया, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। यानी कि जो उत्तर में था उसको अंगारा लैंड का नाम दिया, अंगारा लैंड का नाम दिया, और जो दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का नाम दिया। अब देखिए जो अंगारा लैंड था ये उत्तर वाला पार्ट था, आपसे पूछ सकता है जब पैंजिया दो भागों में डिवाइड हुआ तो इसके उत्तर वाले पार्ट को क्या बोला गया, अंगारा लैंड बोला गया, और जो दक्षिण वाला पार्ट था उसको क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। अब इसके बीच में भाई जब इसकी दूरियां बढ़ गई तो ये पैंथालसा था, इसका कुछ भाग आपको देखने को मिलेगा, कुछ भाग देखने को मिलेगा, वो क्या बीच में भी तो पानी आ जाएगा। अब देखिए जो बीच में ये पार्ट आ गया ना, ये क्या बन गया, तेथिस सागर बन गया। यानी कि जब पैंजिया दो भाग में डिवाइड हुआ उत्तर और दक्षिण में, तो बीच में जल भर गया, और इसी जल भर गया तो इसको हमने नाम दिया तेथिस सागर नाम दिया, क्या दिया नाम, तेथिस सागर का नाम दिया, तेथिस सागर का नाम दिया। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और देखिए ये क्या था, ये तो अपना पैंजिया ही बचा हुआ था, और आपसे पूछा जा सकता है जो तेथिस सागर का जो शेष भाग बचा है, जैसे पैंथालसा का जो शेष भाग बचा है उसे तो आपने पहचान लिया कि ये क्या है, प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर को ही पैंजिया का शेष भाग वर्तमान में माना जाता है। इसी तरह से जो तेथिस सागर है इसका जो शेष भाग आपको देखने को मिलेगा वर्तमान में, वर्तमान में इसका जो शेष भाग बचा है वो कौन सा सागर है वो आपको देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर। तो वर्तमान में जो भूमध्य सागर है वो माना जाता है कि पहले यही तेथिस सागर यहाँ पर था, हल्के हल्के अब क्या हो गया, इसका संकुचन हो गया, क्या हो गया, हल्के हल्के इसका संकुचन हो गया, तो वर्तमान में इसका शेष भाग को भूमध्य सागर को माना जाता है, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर जो आपको देखने को मिलेगा तो उसी को तेथिस सागर माना जाता है। अब देखिए ये एक बार डिवाइडेशन हुआ, लेकिन ये डिवाइडेशन है ये नहीं रुका, ये गोंडवाना जो लैंड था, ओके, जो गोंडवाना लैंड था ये क्या था, कई भागों में डिवाइड हुआ और इससे बड़े बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे कि दक्षिण अमेरिका एक इसका पार्ट है, दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका जो आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा दक्षिण अमेरिका इस तरह से देखिए बना देते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो दक्षिण अमेरिका आपको कुछ देखने को मिलेगा इस तरह से, ये दक्षिण अमेरिका क्या है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। आपसे पूछा जा सकता है गोंडवाना लैंड का दक्षिण अमेरिका किसका पार्ट था, या फिर गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है, एक तो दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसका जो विभाजन है वो एक और आपको देखने को मिलेगा, इसका जो पार्ट है वो आपको जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका है तो अफ्रीका है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अफ्रीका का भी मैप बना देते हैं छोटा सा इस तरह से, आपको ये क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका है जो वर्तमान में वो भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही कभी हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा भारत भी किसका हिस्सा है भाई, भारत जो आपको देखने को मिलेगा, भारत उपमहाद्वीप जो था पहले, देखिए भारत पहले उपमहाद्वीप था, इसमें देखिए जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इसके अलावा जो म्यांमार वाला एरिया है वो भारत का ही पहले पार्ट था, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो भारत पहले कैसा दिखता था, देखिए इस तरह से भारत दिखता था, जो वर्तमान में आपको भारत दिखता है वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है, पहले इस तरह से ये पूरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से कुछ पार्ट था, ये भारत का पार्ट था, ओके। और फिर बाद में उत्तर में जाते जाते फिर जाकर के एशिया से टकराया, तब वर्तमान में इस तरह का भारत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पार्ट और था जो आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग लॉन्ग में लिख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इन ये चार पार्ट हैं, ये क्या है, गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं। इसी तरह से जो अंगारा लैंड था ये भी कई भाग में डिवाइड हुआ, एक तो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का पार्ट था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यूरोप, क्या है, यूरोप, तो यूरोप भी किसका भाग था,
अंगारा लैंड का आपको भाग देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एशिया, एशिया ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी ओके। और इसके अलावा जो ऊपर का जो आर्टिक वाला जो ओशन ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो भी इसका पार्ट ही था ओके। चौथा पार्ट भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो देखिए ये चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारी जो पृथ्वी है ओके, पृथ्वी है वो इस तरह से स्थल खंडों में बटी हुई है। ये क्या है, प्लेट है मान लेते हैं, इनको क्या मान लिया गया है, प्लेटें मान ली गई हैं। तो जो स्थल खंड है ये कई भाग में डिवाइड है, एक भाग में डिवाइड नहीं है भाई। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्लेटों का नाम दे दिया ओके। किसका नाम दे दिया, प्लेटों का नाम हमने यहाँ पर दे दिया ओके। तो इनको क्या नाम दे दिया हमने, प्लेटों का नाम दे दिया। अब देखिए जो प्लेट है वो दो तरह की हो सकती है, हमारे महासागरों के अंदर भी तो भाई जो महासागर का नीतल है वहां भी तो स्थलखंड पाया जाता है, जरूरी थोड़ी ना जल ही जल पाया जाता है, हमारा जल भी किसी ना किसी चीज पर रुका हुआ है, उसके नीचे भी तो स्थल है, उसके नीचे भी क्या है स्थल है, तो वो स्थलखंड है। तो देखिए जो प्लेटें हैं वो दो तरह की हो सकती है, या तो महासागरीय प्लेट होगी या तो महाद्वीपीय प्लेट होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है या फिर महासागरीय प्लेट हो सकती है। प्लेट क्या है, बस स्थल खंड का एक हिस्सा है। अगर हम प्लेट का उपयोग करते हैं तो खाना खाने वाली प्लेट मत समझ लीजिएगा, ऐसा सोचिए एक खाना खाने वाली प्लेट है, एक खाना खाने वाली प्लेट नहीं है। ये क्या है, ये हमारे स्थल खंड है जिन्हें हमने विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिया है। आज का जो आपका होमवर्क है वो आपको बताना है, मुख्य मुख्य छोटी छोटी जो प्लेटें हैं उनके नाम बताना है, और जो मुख्य बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं हमारे पृथ्वी पर उन प्लेटों के नाम बताने हैं। क्या बताने हैं, उन प्लेटों के नाम बताने हैं। ये एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये चीज जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले दे रखी है, फर्स्ट चैप्टर ही जियोमॉर्फोलॉजी का वहां पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। तो देखिए हम आपको बता रहे थे थोड़ा सा प्लेट के बारे में बता रहे थे होंगे, किसके बारे में बता रहे थे, प्लेट के बारे में बता रहे थे। तो इस तरह से तो आपको समझ में आए प्लेट क्या है, लेकिन इन प्लेटों में क्या होता है, संचलन होता है। ये प्लेटों में क्या होता है, संचलन होता है। और हम कौन सा संचलन अभी देख रहे थे, क्षैतिज संचलन देख रहे थे, मतलब क्षैतिज दिशा में क्या कर रही है ये प्लेटें मूव कर सकती हैं। तो चलिए हम यही आपको बता रहे थे, जो प्लेटें हैं वो तीन तरह से क्षैतिज दिशा में मूव कर सकती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि एक प्लेट है, ये प्लेट है और दूसरी ये क्या है प्लेट है। आप कहेंगे बहुत छोटी प्लेट है, वही समझाने के लिए बना रहे हैं, वैसे प्लेटें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें देखने को मिलेंगी, जैसे कि भारत पूरी क्या है एक प्लेट आपको देखने को मिलेगी ओके। तो देखिए जैसे कि क्या है, ये मानते हैं दो प्लेटें हैं ओके, ये दो प्लेटें हैं और आपको देखने को मिलेगा एक किस दिशा में आ सकती हैं, क्षैतिज दिशा में ही है लेकिन एक दूसरे की ओर आ सकती हैं ओके। एक दूसरे की ओर आ सकती हैं और एक दूसरे की ओर आएंगी, तो इसी को बोल ये क्या कर रही हैं, दोनों अभिसरित कर रही हैं, यहाँ पर आकर के क्या करेंगी इस तरह से मिल जाएंगी, यानी कि ये क्या कर रही हैं अभिसरण कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं ओके। तो इसीलिए यहाँ पर इस संचलन को क्या बोल देंगे, अभिसरण बोल देंगे इसको ओके, अभिसारी संचलन इसको बोल देंगे, अभिसारी संचलन बोल देंगे ओके। क्या बोल देंगे इसको, अभी सारी संचलन बोल देंगे, या तो इस तरह का कोई प्रोसेस हो सकता है। अब देखिए जब अभी कहीं पर अभी सारी संचलन होता है तो उसकी एक बाउंड्री होती है, क्या होती है बाउंड्री, देखिए बाउंड्री किसे कहते हैं, बाउंड्री हम उसे बोलते हैं जिसको फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो इसके ये वाला भाग होता है, देखिए व्हाइट कलर से बनाते हैं, व्हाइट कलर से बनाते हैं, ये देखिए ये क्या है, इसकी बाउंड्री है ओके। तो इसको क्या नाम दे देंगे, अभिसारी बाउंड्री का नाम दे देंगे, अभिसारी बाउंड्री, क्योंकि कैसी बाउंड्री बन रही है, अभिसारी बाउंड्री बन रही है, तो इसलिए इसको अभिसारी संचलन या फिर अभिसारी बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। देखिए जब एक दूसरे पर आकर के ऐसे भिड़ेंगी तो क्या होगा, एक प्लेट है नीचे चली जाएगी, एक प्लेट है ऊपर चली जाएगी। तो चलिए इसका एक अलग प्रोसेस आपको मतलब आगे की स्टेप बताते हैं। तो देखिए इस तरह से ये दो प्लेटें थी, ये दो प्लेटें क्या कर रही थी, अभिसरण कर रही थी। तो एक प्लेट क्या होगी, इस तरह से नीचे चली जाएगी, क्या करेगी इस तरह से नीचे चली जाएगी, और दूसरी प्लेट क्या है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी ओके। अब ऊपर चढ़ेगी तो इस तरह से ये फोल्ड कर जाएगी, क्या कर देगी
इस तरह से फोल्ड कर जाएगी। ओके, ये क्या है, उसी तरह से देखिएगा। ओके, तो देखिए, या इसके कारण, देखिए अभी सारी संचलन के कारण क्या हुआ, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जहां पर अभी सारी संचलन देखने को मिलेगा वहां पर क्या देखने को मिलेगा, मोड़दार पर्वत देखने को मिलेंगे, फोल्डेड माउंटेन या फिर बलित पर्वत, बलित या फिर इसको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। तो मोड़दार पर्वतों का यहां पर निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन भाई अब इसमें से कौन सी परत नीचे जाएगी, आपके दिमाग में ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, वो परत यहाँ पर नीचे जाती है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्या होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा भारी होती है। डेंसिटी ज्यादा होने का तात्पर्य क्या है कि वो क्या है भाई, वो ज्यादा भारी आपको देखने को मिलेगी। और भारी स्थान क्या होंगे, वो नीचे ही तो रहते हैं, भारी पदार्थ क्या रहता है, नीचे रहता है, हल्का पदार्थ क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो देखिए, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व अधिक होगा, वो क्या करेगी, वो नीचे जाएगी, क्या करेगी, नीचे जाएगी। ओके, अब कौन सी परत है वो हल्की होगी, भारी होगी, ये भी टॉपिक है, ये कल आपको पढ़ाया जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे किस तत्व से मिलकर के जो अगर कोई चट्टान बनी है वो हल्की होगी या फिर भारी होगी। अभी इतना जान लीजिए, जो महासागरीय प्लेटें आपको देखने को मिलेगी, महासागरीय प्लेटें होती हैं वो अपेक्षाकृत भारी आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि जब ये प्लेट नीचे जाती है, तो नीचे जाते समय इसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ये प्लेट है नीचे गलने लगती है, मतलब ये जो चट्टान होती है ये पिघलने लगती है, द्रव अवस्था में आने लगती है, और यही मैग्मा का निर्माण करती है। यही मैग्मा जब ऊपर आता है तो लावा का निर्माण होता है, और यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती है। तो देखिए, जहां पर अभी सारी जहां पर सीमांत होता है वहां पर हो सकता है पर्वतों का निर्माण हो, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं पर्वतों का निर्माण हो। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ज्वालामुखी प्रक्रिया हो, वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आपको जो जापान वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर अभी सारी प्लेट होने के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जब ये प्लेटें हैं आपस में लड़ेंगी, अभिसरण करेंगी, और एक प्लेट नीचे जाएगी या फिर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी, इन सभी के कारण भूकंप भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो एक संचलन कैसा है आपको देखने को मिलेगा, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। दूसरे प्रकार का क्षैतिज संचलन कैसा हो सकता है, ये एक दूसरे से दूर भी तो जा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी तो जा सकते हैं। जैसे एक ए प्लेट है, एक ए प्लेट है, ये क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, अपसरण कर रहे हैं। ओके, अपसरण कर रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं अपसारी सीमांत बोल देते हैं, ये सीमांत या फिर संचलन, अपसारी संचलन। और देखिए यहां पर भी तो बाउंड्री का निर्माण होगा, ये क्या है, यहां पर भी तो बाउंड्री का निर्माण होगा, तो एक किस प्रकार की बाउंड्री है, अपसारी है, तो इसीलिए इसको अपसारी बाउंड्री, और बाउंड्री को ही हिंदी में बोलते हैं सीमांत। तो अपसारी सीमांत का यहाँ पर निर्माण होगा। देखिए अपसारी सीमांत का जहां पर निर्माण होता है वहां पर क्या होती है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वहां पर कटकों का निर्माण होता है। तो समुद्र नीतल का इससे प्रसार होता है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कटकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कटकों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। ओके, और तीसरे प्रकार का और भी संचलन हो सकता है, क्षैतिज दिशा में ही है, लेकिन तीसरे प्रकार का और हो सकता है, क्या हो, ये एक दूसरे के समानांतर और विपरीत दिशा में, जैसे एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट है वो क्या कर रही है, इसी के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसीलिए इसको समानांतर सीमांत भी बोल देते हैं, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको संरक्षी सीमांत या फिर संरक्षी बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कोई चट्टान का निर्माण हो रहा है, कोई स्थलखंड का निर्माण हो, किसी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मर बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको देखने को मिलेगा,
आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं समानांतर समानांतर संचलन, या फिर इसको रूपांतरण संचलन के नाम से भी जानते हैं, रूपांतरण संचलन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है, लेकिन भूकंप आने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। ओके, तो तीन प्रकार से क्षैतिज दिशा में संचलन हो सकता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। ओके, तो देखिए क्षैतिज दिशा में जो संचलन है, इसी संचलन को क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा इससे क्या निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, तो इसीलिए इसको पर्वत निर्माणकारी संचलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी निर्माणकारी संचलन। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ओरोजेनिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ओरोजेनिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए ओरोजेनिक मूवमेंट है वो कैसे हो सकता है, दो रूपों में हो सकता है, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, जैसे कि संपीडन का प्रोसेस हो सकता है, जिसको कंप्रेस बोल सकते हैं, संपीडन का प्रोसेस हो सकता है, जिसमें क्या है, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, जैसे कि हम आपको बताए थे। इसी को हमने क्या नाम दिया था, अभिसारी संचलन नाम दिया था। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा क्या हो सकता है, तनाव मूलक बल हो सकता है, तनाव मूलक बल हो सकता है। तनाव मूलक बल का मतलब क्या है, दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके, इसी को हमने अपसारी संचलन या फिर अपसारी सीमांत, यहाँ पर निर्माण होता है, हमने आपको बताया था। और यहाँ पर कटकों की संरचना का निर्माण होता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और वही महादेश संचलन है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर संचलन है, इसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं, जो महादेश संचलन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, महादेश संचलन, महा देश जनक जो संचलन है इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए एक तो ये महादेश जनक कैसा है, ऊपर नीचे लग रहा है ना, या तो ये ऊपर लगेगा बल या फिर नीचे लगेगा। तो देखिए इसके कारण या तो उत्थान होगा, उत्थान का मतलब क्या है भाई, जो चट्टान है वो ऊपर की ओर आएगी, मतलब उत्थान हो रहा है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, अपलिफ्टमेंट, लिफ्ट से कभी ऊपर गए हैं ना, तो अपलिफ्ट कर रहा है भाई, लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर हो रही है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, मतलब उत्थान हो रहा है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट का नाम दिया गया है। और इसी तरह से क्या हो सकता है, अवतलन हो सकता है, मतलब नीचे जा सकता है, धसान हो सकता है। तो दूसरा क्या हो सकता है आपको देखने को मिलेगा, अवतलन हो सकता है, क्या हो सकता है, अवतलन, जिसको बोलते हैं सबसीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसीडेंस हो सकता है। ओके, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे जो उत्थान है जिसको अपलिफ्टमेंट बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं निर्गमन। ओके, क्या बोलते हैं, निर्गमन, निर्गमन का मतलब क्या भाई, बाहर चला गया। ओके, ऊपर चला गया, बोलते हैं क्या हो गया भाई, उसका निर्गमन हो गया, क्लास से उसका निर्गमन हो गया, क्लास से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ओके, निर्गमन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमरजेंस, इमरजेंस के नाम से इसको जानते हैं, इसका मतलब होता है बाहर। ओके, इसका मतलब क्या होता है, बाहर। और जो अवतलन है जिसको सब्सिडेंस बोलते हैं, इसको भी एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे ये है निर्गमन है, और ये आपको देखने को मिलेगा निम्नजमन, इसको बोलते हैं निम्न जमन, इसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा खतरनाक नाम है, आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं सबमर्जेंस, सबमर्जेंस। ओके, इसका मतलब होता है अंदर, इसका क्या मतलब होता है, अंदर इसका मतलब होता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इनके कारण क्या होता है, जैसे कि अगर किसी चीज का उत्थान होता है, तो उत्थान के कारण आपको देखने को मिलेगा पर्वत का निर्माण होता है, और इसी को नाम देते हैं एक, या तो भ्रंश पर्वत का नाम दे देते हैं या फिर ब्लॉक पर्वत का भी नाम दे देते हैं। ओके, इसी तरह से अवतलन के कारण
भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाए भ्रंश घाटियों का निर्माण है वो किससे संबंधित है, तो महादेश जनक संचलन से संबंधित है। महादेश जनक संचलन होता है वो किस प्रकार का है, तो आपको पता है ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है। ओके, जैसे आपको बताते हैं, देखिए जैसे क्या है, एक चट्टान है, ध्यान से देखिएगा अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्या है थी, एक चट्टान थी सिर्फ। ओके, ये क्या थी, एक चट्टान थी। अब इस चट्टान में क्या हुआ, इस तरह से एक क्रैक पड़ा, चलिए क्रैक डाल देते हैं। देखिए एक इस तरह से क्रैक पड़ा और एक क्रैक ये पड़ा। अब क्या है, यहाँ पर ये चट्टान थी, ये तीन भाग में डिवाइड हो गई, मतलब ए पार्ट इसका, बी पार्ट और सी पार्ट। अब मानते हैं इसका जो बी पार्ट है वो क्या हो गया, नीचे चला गया। इसका बी पार्ट क्या हो गया, नीचे चला गया। अब बी पार्ट नीचे चला गया तो किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर बी पार्ट नीचे चला गया तो ए पार्ट है वो तो वहां पर ही है ना, ए पार्ट है वो तो वहां पर ही है, सी पार्ट है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सी पार्ट भी वहां पर ही है, लेकिन बी पार्ट क्या हो गया, वो नीचे चला गया। क्या चला गया, इस तरह से नीचे घुस गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, घाटी का निर्माण हो गया। एक किस घाटी का निर्माण हुआ, आपको देखने को मिलेगा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। तो देखिए इसी भ्रंश के कारण एक घाटी का निर्माण हुआ, इसी को हम बोल देते हैं भ्रंश घाटी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको रिफ्ट वैली बोल देते हैं। तो रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है, अबतलन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अबतलन के कारण होता है। तो अबतलन या फिर निजमन इसको बोलते हैं, या फिर अबतलन बोलते हैं, या फिर सब्सिडेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, महादेश संचलन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। चलिए एक कंडीशन और बताते हैं, इस बार क्या हो, जो ए वाला जो बी वाला पार्ट था ये ऊपर उठ जाए, क्या हो जाए, ये ऊपर उठ जाए, तब क्या होगा। चलिए एक कंडीशन और समझाते हैं, इस बार क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया, मतलब ए क्या था वो वहां पर ही था जहां पर पहले था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए बराबर का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं, ओके, और इसका मतलब है ये नीचे चला गया। ए पार्ट और बी पार्ट क्या है, ये अपनी उसी अवस्था में थे, ये भी क्या है बराबर है, लेकिन बी वाला पार्ट दूसरी कंडीशन में क्या किए हम, ऊपर उठाते, मतलब उत्थान हो गया। तो चलिए हम ऊपर उठा देते हैं, तो ऊपर उठेगा तो इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए ऊपर उठ जाने के कारण यहाँ पर एक ऊंची संरचना का निर्माण हुआ जिसको हम पर्वत का नाम दे देते हैं। अगर इसकी विशेषताएं हैं पर्वत के समान होती हैं तब हम इसको नाम दे देते हैं, पर्वत का नाम दे देते हैं। लेकिन इसको किसके कारण निर्मित हुआ, भ्रंश के कारण, उत्थान के कारण निर्मित हुआ, तब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं हॉर्स पर्वत बोल देते हैं। ओके, हॉर्स पर्वत का नाम दे देते हैं। ओके, हॉर्स पर्वत का नाम दे देते हैं। ये किस कारण हुआ, ये उत्थान के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, ये उत्थान के कारण हुआ, इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिए, हॉर्स पर्वत का नाम दे दिए। तो आप लोग देख सकते हैं भ्रंशन की प्रक्रियाओं के द्वारा, भ्रंशन की प्रक्रियाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसका संबंध किससे होता है, आपको देखने को मिलेगा महादेश संचलन के, महादेश जनक संचलन से उसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बताइएगा यहां तक आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छे से समझ में आया। एक्चुअली क्या बोल रहा है कि हमारा इंटरनेट बहुत स्लो है, एक सेकेंड दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब मैसेज करिएगा, अब हम आप लोगों के मैसेज देख पाएंगे, बताइएगा आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि जब दोबारा से क्लास ज्वाइन करते हैं तो पीछे के मैसेज क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ओके यहाँ पर विवेक यादव बोल रहे हैं यस सर। ओके चलिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आई, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, अभी हम इनपे बहुत डीप डिस्कशन करने वाले, अभी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो नहीं पढ़ाए हैं, अभी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी है वो आपको नहीं पढ़ाई, यहाँ पर सिर्फ नाम बताए हैं। अभी बलित पर्वत है वो निर्माण कैसे होगा, अभी तो वो मेन टॉपिक अभी रहा है, यहाँ पर सिर्फ बताए हैं कि किस फ्रेमवर्क में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस फ्रेमवर्क में पढ़ना है, ये चीज अभी हम आपको सिर्फ समझाए हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं और आपको बताते हैं, अंतर्जात बल है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब बहिर्जात बल है वो भी तो हम देख लेते हैं ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, अभी हम सिर्फ देखे थे
आंतरिक परतों के द्वारा जो बल लगता है जिसको हम बोले थे एंडोजेनिक फोर्स बोले थे या फिर अंतर्जात बल बोले थे, इसके द्वारा इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये तो हम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बाह्य परतों के द्वारा जो बल लगता है, बाह्य परतों के द्वारा बल लगता है इसके द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसका भी हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो जगह नहीं है इसीलिए हम वहां पर लिखेंगे, और अगर आपके पास जगह हो तो यहाँ पर ही नोट कर लीजिए, अगर आपके पास जगह नहीं हो तो आप भी हमारी तरह आगे नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट पेज पर चलते हैं फिर से करते हुए इसको। ओके, पेज एड कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहिर्जात बल, यानी कि जो पृथ्वी की बाह्य परतों से बल लगता है और उसके द्वारा स्थल स्वरूपों में परिवर्तन आता है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया था बहिर्जात बल। ओके, बहिर्जात बल या फिर बहिर्जनित बल, ओके, या फिर संचलन, ओके, कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, कितने भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक इसमें आपको देखने को मिलेगा अनाच्छादन की प्रक्रिया। ओके, अनाच्छादन की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं डेनुडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डेनुडेशन का प्रोसेस जो होता है, डेनुडेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा बहिर्जात संचलन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा अपरदन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो हम देखेंगे कि अपरदन के द्वारा, अपरदन या फिर अपरदनात्मक सतह का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो हम अध्ययन करेंगे वो लैंड फॉर्म का यानी कि स्थलाकृतियों का, स्थलाकृतियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, स्थलाकृतियों का निर्माण, इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। जैसे देखिए अनाच्छादन, अगर हम डेनुडेशन की बात करें, ओके, अनाच्छादन अगर हम डेनुडेशन की बात करें वो आपको देखने को मिलेगा इसके द्वारा इस जो स्थल स्वरूप होते हैं उनकी कहीं ना कहीं विषमता है वो कम होती है। मतलब अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, अनाच्छादन का मतलब होता है कि वो चट्टाने हैं उनका उनका कटाई छटाई चल रहा है। क्या चल रहा है, उनका कटाई छटाई चल रहा है, लेकिन कटाई छटाई है, अनाच्छादन है, एक कितने प्रकार से हो सकता है। तो अनाच्छादन आपको देखने को मिलेगा, जो अनाच्छादन का प्रोसेस है इसमें एक तो आपको देखने को मिलेगा वेदरिंग, ओके, जो मौसम के कारण होता है जिसको बोलते हैं वेदरिंग। ओके, तो अनाच्छादन किसके कारण हो सकता है, वेदरिंग के कारण हो सकता है। दूसरा अनाच्छादन के जो प्रोसेस है जो कारकों के आधार पर जो हो, जिसको हम बोलते हैं इरोजन, ओके, जिसको हिंदी में अपरदन बोलते हैं। और जो तीसरा आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मास बेस्टिंग जिसको बोलते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए वेदरिंग होती है, वेदरिंग किस कारण होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा देते हैं जो वेदरिंग है वो किस कारण होती है। तो वेदरिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलेगा मौसम में परिवर्तन के कारण होती है, मौसम में परिवर्तन के कारण होती है, जैसे कि अधिक गर्मी का पड़ना, अधिक ठंडी का पड़ना। ओके, तो जो ठंड गर्मी इसके अलावा वर्षा, इन सारी चीजों के कारण वेदरिंग का प्रोसेस होता है, और वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा चट्टाने हैं वो उनका क्षरण होता है। क्या होता है, चट्टानों का क्षरण होता है। जैसे कि अगर कहीं पर बारिश होती है और वहां पर अगर चूना पत्थर की चट्टाने पाई जाती है तो वो उससे वो क्रिया करती है और क्रिया करके उनका क्या करती है, एक तरह से उनकी जो संरचना होती है उसको सपाट करने का प्रयास करती है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा मौसम में जब परिवर्तन आता है तो मौसम में परिवर्तन आने के कारण चट्टाने हैं वो बीच में क्रैक करने लगती हैं। जैसे जब तापमान बढ़ता है चट्टानों का तो उनका आयतन बढ़ता है, अब रात में जब तापमान कम होता है तो फिर से क्या होता है, उनका आयतन कम होता है। और यही प्रोसेस जब बरसों तक ऐसे चलता रहता है, इनमें फैलाव संकुचन की प्रक्रिया होती रहती है, तो जिस कारण ये बीच में से क्रैक हो जाती है तो फिर छोटी छोटी चट्टाने बनती है, उनमें भी यही प्रोसेस चलता रहता है, फिर वो और छोटे टुकड़ों में बढ़ती हैं। तो क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, तो मौसम में परिवर्तन के कारण वेदरिंग होती है। और ये वेदरिंग है ये दो प्रकार से हो सकती है, एक आपको देखने को मिलेगा फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं और दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग होती है।
तो देखिए, वेदरिंग है ये दो प्रकार की होती होती है। एक तो भौतिक हो सकती है, जिसको फिजिकल बोलते हैं, मतलब भौतिक ओके, जिसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा केमिकल वेदरिंग, जिसको बोलते हैं रासायनिक, रासायनिक वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग के नाम से जिसको जानते हैं। देखिए, अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग में बहुत सारी चीजें, पहले टाइम देखते हैं कि कितना टाइम बचा है। ओके, अभी हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है। तो देखिए, वेदरिंग है ये आपका टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये आपको कवर करा देते हैं और फिर कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर सारी चीजें आप लोग सुनिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से आपका कवर कराते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें, ओके, जो भौतिक होता है ये किस किस प्रकार का हो सकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, आगे पेज पे लिखाते हैं। भौतिक, भौतिक अनाच्छादन, या फिर इसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ओके, तो देखिए, जो फिजिकल वेदरिंग है ये मौसम में परिवर्तन के कारण होती है, मौसम में परिवर्तन के कारण आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो फिजिकल वेदरिंग है, तो फिजिकल वेदरिंग है इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग में एक जो प्रकार होता है जिसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, देखिए, क्रिस्टलाइजेशन में, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। ये कैसे होता है तो आपको देखने को मिलेगा, ये बाष्पीकरण, जहां पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जहां पर ज्यादा होती है, जहां पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया, बाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि परतें हैं वो कहीं ना कहीं, परतें हैं वो कमजोर होने लगती हैं। कमजोर होगी तो आपको देखने को मिलेगा बार बार क्या होता है, उनमें फैलाव संकुचन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण उनका आकार है वो छोटा होने लगता है। अब देखिए, बाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये कैसे चट्टानों को प्रभावित करती है। जैसे कि मानते हैं एक ये चट्टान है, क्या है, एक ये चट्टान है। अब इस चट्टान के अंदर जब जल आ जाता है, ओके, जल आ जाता है मतलब जल क्या कर लेगी, ये सोख लेगी। ओके, जब ये जल को सोख लेगी तब आपको देखने को मिलेगा कि जब ये जल को सोखेगी तो इसके अंदर नमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी। ओके, लेकिन जब सूरज निकलेगा तो सूरज निकलने से यहां पर इसको क्या मिलेगा, तापमान मिलेगा। जब तापमान बढ़ेगा इसका तो देखिए इसमें से नमी नमी निकल जाती है, मतलब जल है वो निकल जाता है। अब इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, असंगठित होने लगते हैं, थोड़े से कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है कि एक दिन नहीं चलता, 2 दिन नहीं चलता, ये कई कई लाखों साल प्रोसेस चलता रहता है, जिस कारण जो ये चट्टान होती है एक कमजोर हो जाती है, क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और कमजोर होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने लगती है। मतलब इसके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे क्रिस्टलों में परिवर्तित होने लगते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इसके अलावा आपको दूसरा प्रोसेस जो आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन बोलते हैं, थर्मो क्लास्टी। देखिए, थर्मोक्लास्टी होता है ये मरुस्थलों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, थर्मोक्लास्टी में क्या होता है, तापमान होता है वो बहुत कम रात में होता है, और दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है। थर्मोक्लाइन वाला जो प्रोसेस होता है कहाँ देखने को मिलेगा, ये मरुस्थलों में आपको देखने को मिलेगा। जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल होते हैं मतलब जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तानों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर दैनिक तापांतर ज्यादा होता है। क्या होता है, दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। दैनिक तापांतर ज्यादा होने का तात्पर्य क्या है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दिन का तापमान होगा वो बहुत अधिक रहता होगा, दिन का तापमान है, दिन का तापमान है वो बहुत अधिक रहता होगा, और रात का तापमान है वो बहुत कम रहता होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर दैनिक तापांतर अलग पाया जाता है। अब देखिए, रेगिस्तान में बारिश तो नहीं होती, तो वहां पर ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया तो ये ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर नमी नहीं है, लेकिन वहां पर थर्मोक्लाइन
थर्मोक्लास्टी वाली प्रोसेस होता है। थर्मोक्लास्टी में क्या होता है, जैसे एक चट्टान होती है, मानते क्या है, एक चट्टान है, ये चट्टान है। अब ये चट्टान है, अब दिन का समय होगा, जब रेगिस्तान में क्या होगा, दिन का समय होगा तो इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसका तापमान बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा। ओके, जब आयतन बढ़ेगा तो इसमें किस प्रकार का प्रोसेस होगा, इसमें फैलाव का प्रोसेस होगा। किसका प्रोसेस होगा, फैलाव का प्रोसेस होगा, यानी कि ये फैल जाएगी। ओके, ये चट्टान क्या हो जाएगी, इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगी। ओके, थोड़ा सा क्या कर जाएगी, इस तरह से एक्सपेंड कर जाएगी, फैल जाएगी। ओके, और वहीं फिर रात होगी, क्या होगी, फिर रात होगी। तो रात के समय क्या होगा, तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। जब तापमान अत्यधिक कम होगा तो इस चट्टान का भी क्या होगा, तापमान कम होगा। तो आपको देखने को मिलेगा, दिन में तो ये फैल गई थी, लेकिन रात में तापमान कम होने के कारण इसका आयतन है वो भी कम होगा। आयतन कम होने का मतलब है इसमें संकुचन का प्रोसेस होगा, संकुचन का प्रोसेस होगा। अब देखिए, यही फैलाव संकुचन है, ये एक दिन दो दिन की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हजारों हजारों वर्षों, लाखों लाखों वर्षों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो क्या करता है, ये फैलाव संकुचन के कारण इस तरह से इसमें क्रैक बनने लगते हैं भाई। ओके, क्या बनने लगते हैं, इस तरह से क्रैक बनने लगते हैं, मतलब दरारें पड़ने लगती हैं। तो ये चट्टाने क्या है, इस तरह से दरारों में टूटने लगती है। तो ये चट्टान क्या होगी, एक समय के बाद ऐसे टूट जाएगी, एक ये पार्ट बन जाएगा इसका, एक इस तरह से कोई पार्ट बन जाएगा, कोई इस तरह से इसका पार्ट बन जाएगा, कोई इस तरह से इसका पार्ट बन जाएगा। लेकिन इन पार्टों में तो अब ऐसा नहीं है कि इसका भी तापमान कम ज्यादा नहीं होगा भाई, ये जो प्रोसेस चल रहा था दिन रात वाला, इनमें भी होगा। अब इनमें भी ये प्रोसेस है, दिन रात चलेगा, फैलाव संकुचन का प्रोसेस चलेगा। तो ये फिर से कई भागों में इस तरह से डिवाइड करेंगे, इनमें क्रैक पड़ेंगे, हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा हल्के हल्के ये रेत के कण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रेत के कण बन जाएंगे, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये हम क्या देखे थे, दो चीजें देख लिए थे। ओके, एक क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस देख लिए थे, दूसरा थर्मोक्लास्टी वाला प्रोसेस देख लिए थे। ये फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। एक और आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में तुषार अपक्षय बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, तुषार अपक्षय बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो ये तीसरा वाला हम लोग देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं गैलीफ्रेक्शन, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, मतलब फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है तुषार, फ्रॉस्ट वेदरिंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग। ओके, जिसको तुषार अपक्षय के नाम से भी जानते हैं, तुषार अपक्षय के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखिए तुषार अपक्षय ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको तापमान है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर तुषार उसार पड़ता है तो वहां पर इस प्रकार का प्रोसेस होता है। देखिए क्या होता है तुषार अपक्षय में, आपको बताते हैं। देखिए जहां पर तुषार अपक्षय का मतलब है कि यहाँ पर बर्फ का निर्माण होता है, मतलब हिम का निर्माण होता है, हिम का निर्माण होता है। ओके, हीम का निर्माण होता है। अब देखिए हीम कैसे चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है, फिजिकल वेदरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि एक चट्टान है। ओके, चट्टान बनाते हैं पहले तो अच्छे से। ओके, देखिए इस तरह से एक चट्टान है, देखिए इस तरह से एक चट्टान है मानते हैं। ओके, देखिए इस तरह से क्या है, एक चट्टान है। अब क्या हुआ, जहां पर इस प्रकार का प्रोसेस होता है, मतलब तुषार अपक्षय होता है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा दिन का तापमान है, दिन के तापमान के समय थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण जल होता है वो यहाँ पर भर जाता है। जल क्या होता है, इस पूरी चट्टान है, क्या है ये चट्टान है, इस चट्टान में जल है वो इस तरह से भर जाता है। क्या होता है, जल है वो इस तरह से भर जाता है। जब जल इसके अंदर भर जाता है दिन के समय, जब दिन होता है, मतलब जब दिन का समय होता है, तो इस तरह से दरारों के अंदर जल भर जाता है। लेकिन जब रात का समय होता है, रात का समय होता है, तो आपको पता है बर्फ बनती, यही जल किसमें परिवर्तित होने लगता है, जल में परिवर्तित होने लगता है। यही जल है, जल है ये परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है
बर्फ में। ओके, अब देखिए रात के समय यही जल जब परिवर्तित होता है बर्फ में, तो आपको पता है कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर आप फुल बोतल भर करके, यानी ये पानी है वो बोतल में फुल भर करके और फ्रिज में रख दीजिए और उसमें पूरा बर्फ जमा दीजिए, तो वो बोतल क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, फट जाएगी। ओके, आपको देखने को मिले, क्यों? क्योंकि बर्फ है उसका आयतन है स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, आयतन है उसका बढ़ता है, इसीलिए बर्फ कहते हैं कि जब फ्रिज में आप लोग बोतल रखें तो थोड़ी सी खाली रखें, थोड़ा सा गैप रहने दें, जिससे वो बर्फ है जब वो बर्फ का आयतन थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो क्या हो, फटे ना। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसको तो नहीं पता होता है, तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से इसमें जल होता है वो ऊपर से जमना प्रारंभ करता है, और नीचे जब यहाँ पर जब बर्फ बनता है, जब हिम बनता है, तब आपको देखने को मिलेगा इसका आयतन बढ़ता है। आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अब आयतन बढ़ने से क्या होगा भाई, इसमें इस तरह से ये इसको दूर करने का प्रयास करेगा, मतलब इसको फैलाने का प्रयास करेगा। आयतन बढ़ने से वो इस छेद को, इस दरार को फैलाने की कोशिश करेगा, फैलाने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा फैल जाएगा, ये दरार क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब फिर से दिन होगा, दिन होगा तो फिर से जल इसमें पूरा अंदर तक भर जाएगा उसी तरह से, क्योंकि जल है भाई। अब ये तो नहीं कहेगा जितना हम कल भरे थे आज भी उतना ही भरेंगे भाई, अब हम साइड में थोड़ा सा चिपक के रहेंगे, नहीं, वो तो कहेगा हम तो फिर से वैसे ही भरेंगे, फिर से बर्फ जमेगा, फिर से क्या होगा, फैला होगा, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये जो चीज है ना, ये क्या होती रहेगी, इस तरह से बड़ी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, और क्या है, एक दिन ये चट्टानी क्या हो जाएगी, इस तरह से टूट फूट के समाप्त तो हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं तुषार अपक्षय बोलते हैं। तुषार अपक्षय उन जगह पर होता है जहां पर हिम का निर्माण होता है, और दिन के समय हिम पिघल जाती है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कि जब आप मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर हिम का भी निर्माण होता है, और दिन के समय हिम है वो पिघलने भी लगती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो इस तरह का वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा चौथे प्रकार की जो फिजिकल वेदरिंग होती है जिसको बोलते हैं होलोक्लास्ट। ओके, होलोक्लास्ट। ओके, देखिए होलोक्लास्ट क्या होता है, ये लबड़ों के कारण होता है, जहां पर लबड़ ज्यादा पाए जाते हैं, तो लबड़ ज्यादा पाए जाने के कारण वहां पर होलोक्लास्ट वाला फिजिकल वेदरिंग होता है, जहां पर लबड़ों की अधिकता होती है, लबड़ों की अधिकता होती है। ओके, तो देखिए लबड़ में क्या पाए जाते हैं, मतलब इसके जो क्रस्टल होते हैं, क्रस्टल हैं वो तापमान पाकर के एक इनमें फैलाव संकुचन तेजी के साथ में होता है। क्या होता है, फैलाव संकुचन तेजी के साथ में होता है। ओके, जो इनके जो क्रस्टल होते हैं, इनके आयतन में परिवर्तन, होता है, मतलब आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण चट्टान के अंदर फैलाव संकुचन की प्रक्रिया ज्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर वो चट्टाने क्रैक होकर के टूटने लगती है। तो होलोक्लास्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर लबड़ों की अधिकता होती है। ओके, तो लबड़ों की अधिकता, जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में भी आपको लबड़ों की अधिकता देखने को मिलेगी, जिन चट्टानों के अंदर लबड़ अधिक मात्रा में पाए जाएंगे तो उनको आपको देखने को मिलेगा फिजिकल वेदरिंग है वहां पर ज्यादा हो, क्योंकि उनके आयतन में परिवर्तन है, वो चट्टान की अपेक्षा ज्यादा तेजी के साथ में होता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो एक चीज हमारे हमने समझा कि जो भौतिक अपक्षय होता है, अभी हम क्या पढ़े थे, भौतिक अपक्षय पढ़े थे, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ओके, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, वेदरिंग के बारे में, पढ़ रहे थे, और वेदरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। तो वेदरिंग में अभी हम दो तरह की वेदरिंग देखे। ओके, एक हम बोले थे फिजिकल वेदरिंग, बोले थे। ओके, तो देखिए फिजिकल वेदरिंग हम आपको पढ़ा दिए, ये फिजिकल वेदरिंग है, ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय बोलते हैं, लिख देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक, अपक्षय। ओके, देखिए भौतिक अपक्षय में क्या हो रहा था, सिर्फ चट्टानों का आकार छोटा हो रहा था, इसमें क्या होता है, चट्टानों का आकार, छोटा होता है। ओके, यानी कि आकार में कमी आती है, यानी
यानी कि जो बड़ा बड़ा चट्टान है वो छोटा होगा, हल्के हल्के टूटते टूटते वो और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भौतिक अपक्षय में, भौतिक अपक्षय में जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। पदार्थ के यानी कि चट्टान की या पदार्थ जो भी आप बोल सकते हैं, रासायनिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है, गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब जैसी चट्टान है वो भाई वैसी ही रहेगी, अगर चूना पत्थर से निर्मित चट्टान है वो चूना पत्थर की ही रहेगी, बस क्या होगा वो क्या होगा भाई, टूटने फूटने लगेगी। अगर कोई ग्रेनाइट से निर्मित चट्टान है वो ग्रेनाइट से ही निर्मित रहेगी, कोई लवणीय तत्व से निर्मित कोई चट्टान है तो उसके अंदर वही लवण रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, उसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है सिर्फ आकार में परिवर्तन आता है, आकार छोटा होता चला जाता है। लेकिन एक अपक्षय, एक वैदरिंग होती है वो रासायनिक होती है, क्या होती है रासायनिक होती है, रासायनिक अपक्षय जिसको बोलते हैं या फिर जिसको केमिकल बोलते हैं। ओके, केमिकल वैदरिंग। ओके, देखिए केमिकल वैदरिंग होता है ये कितने प्रकार का होता है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए केमिकल वेदरिंग में आपको एक देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर से आपको लिखते हैं, केमिकल वेदरिंग में एक आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण होता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो एक आपको केमिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी। ओके, ऑक्सीडेशन यानी कि जिसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं हिंदी में, इसमें क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, 21 स्थान पर होता है अगर आपसे पूछा जाए तो, जहां पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उष्ण आर्द्र जलवायु। और देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं उष्ण आर्द्र जलवायु है कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उष्ण आर्द्र जलवायु है वो आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको व्यापारिक पवनों से जो क्षेत्र प्रभावित होता है वहां पर आपको उष्ण जलवायु देखने को मिलेगी। मतलब आर्द्रता का होना जरूरी है, आर्द्रता का तात्पर्य क्या है नमी, आर्द्रता का मतलब क्या है नमी, नमी का मतलब क्या है जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, और जल किस रूप में है भाई नमी के रूप में जल उपस्थित है। यानी कि उष्ण का मतलब क्या है यहाँ पर तापमान भी है, इसका तात्पर्य क्या है तापमान, यानी कि तापमान भी होना चाहिए और नमी भी होनी चाहिए, जहां पर नमी और तापमान दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब केमिकल वेदरिंग होती है। इसी कारण जैसे कि आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाना, लोहे के ऊपर जंग लग जाना क्या है ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा, इसी प्रोसेस के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लोहे, जो लोहा होता है लोहे के ऊपर जंग लग जाना, और वो लोहे से निर्मित जो भी चीज होती है उसको हल्के हल्के जंग क्या होती है उसको नष्ट करती जाती है, नष्ट करती जाती है। इसीलिए कहते हैं लोहे पर आपकी रिगिल है, आपके घर में लोहे के दरवाजे हैं उनको पेंट करते रहो, वरना क्या हो जाएगा उस पे जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो क्या है एक अपक्षय की प्रक्रिया है, जंग लगना क्या है एक अपक्षय की प्रक्रिया है। लेकिन अपक्षय की प्रक्रिया में कौन सा प्रोसेस है, रासायनिक अपक्षय है यानी कि केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस में हम इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पर जो नमी होती है और तापमान होता है ये दोनों मिल जाते हैं, तो लोहे के अंदर जैसे जंग लगने लगती है, बहुत जगह नमी होती है जो जल होता है वो कई सारी चीजों से क्रियाएं करने लगता है, यही नमी है एक कई तत्वों से क्रिया करती है और एक अलग चीज का निर्माण करती है और उनका क्षरण करने लगती है, क्या करने लगती है क्षरण करने लगती है। जंग है ये क्या करती है क्षरण का काम करती है, किसका काम करती है क्षरण का काम करती है। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा क्या हो रहा है उसका ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रही है, वो नष्ट हो रही है। तो इसी तरह से अन्य चीजों के साथ में भी प्रोसेस होता है, केवल जंग लगना ही नहीं, हमने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। चलिए देखते हैं जो रासायनिक अपक्षय होता है इसमें एक और आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा दूसरा जिसको बोलते हैं हाइड्रो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रो मतलब जिसको जल के कारण जो चीज होती है उसको बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हाइड्रेशन। ओके,
देखिए जिसको जलयोजन भी बोलते हैं हिंदी में, तो देखिए इसके द्वारा क्या होता है, जो चट्टाने होती हैं वो जल से क्रिया करती हैं, जो चट्टाने होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा जल से क्रिया करती हैं। जल से क्रिया कब करेंगी, जब ये चट्टाने जल को सोख लेती हैं, जल को सोख लेती हैं, सोख लेती हैं, ओके। तब क्या होता है, जब चट्टाने जल को सोख लेती हैं तब आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं इनका आयतन है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ता है, ओके। तो ये अलग चीज का निर्माण करती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जल है जैसे H2O है, ओके, और साथ में किसी चट्टान के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, अगर कार्बनिक पदार्थ है उसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, वो चीज है। तो देखिए ये जो क्रिया करके जो चीज बना देगी, ओके, वो चीज बना देगी, जो चीज बना देगी वो क्या बना देगी, H2CO3 बना देगी, ओके। तो देखिए इसी प्रोसेस को बोलते हैं, सॉरी ये कार्बनाइजेशन का प्रोसेस हो गया, ओके। एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए जल को सोख लेती है तो क्या हो जाएगा, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और उसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि इसके कारण उस चट्टान का क्षरण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, उस चट्टान का क्षरण होने लगेगा। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा तीसरा जो प्रोसेस होता है, कार्बनाइजेशन होता है, ओके। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो अभी हम इक्वेशन लिख रहे थे वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें क्या होता है, जल होता है जैसे H2O है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगी अन्य चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लेते हैं, ओके। इसके कारण एक अलग प्रकार की चीज बन जाती है, एक अम्ल बन जाता है जिसको बोलते हैं H2CO3, ओके। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सीफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सीफिकेशन बोलते हैं, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ओके। तो इसी कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अम्लीय वर्षा भी होती है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ओके। तो ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। इसी तरह से चूना पत्थर से निर्मित जो चट्टान होती है, जो चूना पत्थर से निर्मित चट्टान होती है उसमें जल के साथ चूना पत्थर चट्टाने क्रियाएं कर लेती हैं और वहां पर निर्माण करती हैं एक अलग चीज का, और वहां पर चूना पत्थर से निर्मित चट्टाने होती है उनका क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से इरोजन जो होता है, इरोजन के द्वारा भी चट्टाने हैं वो क्षरण करती हैं, ओके। इरोजन मतलब अपरदन के द्वारा, अपरदन के द्वारा भी चट्टाने क्या करती हैं, क्षरण करती हैं, जिसको बोलते हैं इरोजन, ओके। क्या बोलते हैं, इरोजन जिसको बोलते हैं। ये देखिए जो अपरदन है, अपरदन किस किस कारणों से होता है, देखिए अपरदन है वो आपको देखने को मिलेगा, अपरदन है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि नदियों के द्वारा अपरदन हो सकता है, पवनों के द्वारा अपरदन हो सकता है, हिम के द्वारा अपरदन हो सकता है। मतलब जो अपरदन है वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि नदी, ओके। नदी है जब वो बहेगी तो चट्टानों का क्या करेगी, उसको काटेगी, काटेगी फटेगी और अपने साथ लेकर के आएगी। इसी तरह से अगर पवन है वो भी चलेगी तो पवनों के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा चट्टाने हैं वो हल्के हल्के टूटेंगी फूटेंगी, जैसे कि रेगिस्तानों में जो रेगिस्तान वाला होता है, जो मरुस्थल क्षेत्र होता है, वहां पर पवनों के द्वारा ही आपको अपरदन देखने को मिलेगा, जिससे छत्रक शिलाओं का निर्माण होता है, ओके। बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कोई हीम नदी है तो हीम नदी के द्वारा भी अपरदन का प्रोसेस हो सकता है। अपरदन का प्रोसेस है उस समुद्री तरंगों के द्वारा भी हो सकता है, किसके द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा हो सकता है, ओके। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो कितना टाइम हो गया, अगर टाइम होगा तो इसके आगे पढ़ा दिया जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए ये तो बहुत लंबा जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम नदियों के द्वारा ही अपरदन की बात कर ले, तो नदियों के द्वारा अपरदन है ये बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पर जैसे कि जब नदियां हैं, जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती हैं वो किस प्रकार से चलती है, तो वहां पर किस किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, जब वो मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, जैसे जैसे वो समुद्र की ओर जाती हैं तो किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये टॉपिक तो आज का पर नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ओवरव्यू जरूर दे देते हैं। जैसे कि जब नदियां हैं, जब नदियों के द्वारा
नदियों के द्वारा जब अपरदन किया जाता है, ओके, जब अपरदन किया जाता है तो आपको देखने को मिलेगा नदियां हैं जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, ओके, प्रारंभिक अवस्था में होती हैं तब नदियों के द्वारा कटान किया जाता है। जैसे जब वो पहाड़ों से निकलती हैं तब वो क्या करती हैं, वो कटान करती हैं, ओके, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहां पर हम बनाते हैं पर्वत, ओके, अब पर्वत से कोई नदी को गुजारते हैं, ओके, पर्वत को क्या करते हैं, यहां से नदी से गुजारते हैं। जब नदी है, जब ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तब इसमें गति बहुत ज्यादा होती है, जब गति ज्यादा होती है तो इसके अंदर जोश भी ज्यादा होता है, तो ये क्या करती है, कटान करती है, ओके, क्या करती है, कटान का काम करती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा अपरदन करेगी मतलब कटान करेगी। नदी है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में कटान का काम करती है और इसी कटान के कारण ही घाटियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो घाटियों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो घाटियों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर घाटी देखने को मिलेंगी। नदियों के द्वारा निर्मित घाटियों का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। अब देखिए जब स्टार्टिंग में इनका निर्माण होता है तब आपको देखने को मिलेगा ये घाटियां हैं, इनके स्वरूप के आधार पर हम इनको नामकरण भी कर देते हैं। देखिए नदियों के द्वारा जो घाटियों का निर्माण होता है उसमें बी आकार की घाटी आपको देखने को मिलेगी, बी आकार की घाटी देखने को मिलेगी। देखिए बी आकार की घाटी हमने इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इसका जो आधार है वो बहुत ही संकीर्ण होता है और शीर्ष क्या होता है, इसका चौड़ा होता है, जिस कारण इसका जो शेप बनता है वो बी आकार का बनता है और बी आकार की घाटी का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो बी आकार की घाटी का निर्माण कब होता है, जब नदी होती है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तब वो बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यू आकार की भी घाटी देखने को मिलेगा। यू आकार की घाटी है समानता वैसे तो हिम नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है, लेकिन वो भी आपको पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, ओके। जैसे कि यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण कब होता है, जब आप देखेंगे इसका जो आधार है वो क्या है, थोड़ा सा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा और इसका शीर्ष है वो भी आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा जैसे इसका आधार है। तो इसका जो शेप है वो यू आकार का है। यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो समानता हिम नदियों के द्वारा जो कटान किया जाता है उसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब देखिए जैसे जैसे ये नदियां हैं आपको देखने को मिलेगा ये धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करना प्रारंभ करती हैं। किसमें, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ करती हैं। तब देखिए जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ करती हैं और इनकी गति ज्यादा होती है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रैपिड्स का निर्माण करती हैं। रैपिड्स का मतलब क्या है, जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जल प्रपात भी देखने को मिलेंगे, जल प्रपात, ओके। जल प्रपात क्या है, झरनों का निर्माण होता है। देखिए झरने कब कब निर्माण होते हैं, जैसे कि एक चट्टान, ये क्या है, एक चट्टान थी, लेकिन चट्टाने हैं आप लोगों को पता है चट्टाने जो होती हैं वो एक एक जैसी संरचना से मिलकर के नहीं बनी होती है। जो चट्टाने होती हैं वो मुलायम और कठोर से मिलकर के बनी हो सकती है, जैसे कि एक ये लेयर है, ओके। अब इसके नीचे एक और लेयर है, ओके, मानते हैं एक चट्टान और है जो हमने व्हाइट कलर से आपको बनाई है, मानते हैं ये क्या है, ये जो व्हाइट कलर से बनाई है ये मुलायम चट्टान है, ये क्या है, मुलायम चट्टान है, ओके। और आपको देखने को मिलेगा जो ऊपर बनाई है ये क्या है, कठोर चट्टान है। अब मानते हैं ऊपर से इस तरह से जल गिर रहा है, क्या है, इस तरह से जल है वो आराम से आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, हल्के हल्के उसने नीचे वाली जो चट्टान है उसका कटान कर दिया। अब क्या होगा, अब एक कुछ इस तरह की इस तरह करती बन जाएगी, क्योंकि ये क्या कर दी, इस वाले हिस्से को थोड़ा ज्यादा काट दी। अब क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे बनाते जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ये चट्टान है, ये कठोर वाली तो नहीं कटेगी, ये वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो मुलायम चट्टान थी वो क्या चली जाएगी, इस तरह से पीछे चली जाएगी थोड़ा सा, ओके, इस तरह से पीछे चली जाएगी, क्योंकि इसका क्या हो गया, मुलायम होने के कारण जल्दी इसका कटान हो जाएगा, ओके। ये कठोर नहीं है, ये मुलायम है, ये मुलायम है। तो देखिए जो यहां से जल आएगा इस तरह से, अब गिरेगा तो देखिए झरने के रूप में गिरेगा, किस रूप में गिरेगा, इस तरह से झरने के रूप में गिरेगा। तो इसी को क्या नाम देते हैं,
जल प्रपात नाम दे देते हैं। इसी को किस नाम दे देते हैं? जल प्रपात, जल प्रपात का नाम दे देते हैं, या फिर इसको झरने का नाम दे देते हैं। और देखिए जब ये लगातार गिरता रहता है तो यहाँ पर इस प्रकार का, यहाँ पर नीचे गड्ढा हो जाता है और यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जल भर जाता है। और ये जो सेफ है कुछ इस तरह का लगता है, ये आरामदायक कुर्सी की तरह कुछ लगता है, तो इसीलिए इसको आरामदायक कुर्सी का नाम भी दे देते हैं। और नीचे इस तरह से झील का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इस तरह से आपको देखने को मिलेगा झील का भी निर्माण आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए विभिन्न प्रकार की इस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन जब ये नदी होती है, जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये इस तरह से विसर्प के रूप में आप चलती है। नदी है ये सीधे मार्ग में ना चलकर मैदानी क्षेत्रों में ये इस तरह से लहराते हुए चलती है। किस तरह से? इस तरह से लहराते हुए चलती है, मतलब विसर्प बनाते हुए चलती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं? विसर्प, यानी कि ये सर्प की तरह कुछ चल रही है भाई, ऐसे लहराते हुए चल रही है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं? विसर्प बोल देते हैं। अब देखिए जब ये लहराते हुए चलती है तब इस समय मैदानी क्षेत्र में एक कटान का काम भी करती है और निक्षेपण का भी काम करती है। जैसे कि नदी इधर से इस तरह से चल रही है, क्या चल रही है? इस तरह से चल रही है। ओके, और चल रही है तो वो क्या करेगी? यहां पर इस तरह से टकराएगी तो इस क्षेत्र में क्या करेगी? कटान करती रहेगी। यहां पर क्या होगा? कटान का प्रोसेस होगा। और आपको देखने को मिलेगा इस तरफ जो इस तरह से नदी आएगी और नदी आकर के इस वाले पॉइंट पर निक्षेपण का काम करेगी, निक्षेपण का काम करेगी। तो एक समय क्या होगा, एक कटान करते 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 नदी क्या होगी, डायरेक्ट यहां पर इस तरह से मिल जाएगी और ए वाला पार्ट क्या होगा, एक कट के अलग हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से इतना करती है, ए वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये क्या है, ये कुछ जो गोखुर होता है ना उसकी खुर की तरह लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको गोखुर बोल देते हैं। और इसमें क्या भर जाता है? पानी भर जाता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है गोखुर की तरह है, गोखुर की तरह है। और इसमें पानी भर जाता है तो ये क्या हो गई? झील हो गई। क्या हो गई? झील हो गई। तो इसीलिए इसको गोखुर झील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गोखुर झील। तो गोखर झील है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। हल्के हल्के झील का जल है ये सूख जाता है, ये जल है ये क्या होता है, हल्के हल्के सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो यही क्या बन जाता है? दलदली भूमि बन जाती है। क्या बन जाती है? दलदली भूमि, दलदली भूमि बन जाती है। सॉरी यहां पर मुखी लिख दिया, दलदली भूमि बन जाती है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए दलदली जो भूमि बन जाती है और फिर बाद में मैदान में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए इसी गोखुर झील के लिए, गोखुर झील के लिए ऑक्स बूल लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको ऑक्स बूल लेक के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यही ऑक्स बूल लेक है, जब ये सूख जाती है तो इसी के लिए आपको देखने को मिलेगा मृत झील, या फिर इसको इंग्लिश में ऊपर लिख देते हैं। देखिए जब यही गोखुर झील है ये सूख जाती है, सूख जाती है, तो इसी के लिए मृत झील का नाम देते हैं। किसका नाम? मृत झील का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में मोट लेक के नाम से जानते हैं। तो मोट लेक क्या है? तो कुछ नहीं है, बस गोखुर झील ही है, उसके अंदर का पानी सूख गया है, इसीलिए उसको मॉर्टन लेक या फिर मोट लेक के नाम से भी जानते हैं। बस क्या है, इंग्लिश शब्द का अगर उपयोग कर लिया तो आप लोग क्या हो जाएंगे, थोड़े से खेल जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हम आपको बता दिए। ओके, तो देखिए अभी भी क्या है, हल्के हल्के ये नदी है रुकती नहीं है, आगे जाती है। अब ये हल्के हल्के समुद्र की ओर जब जाती है तब आपको देखने को मिलेगा कि इसके ढलान में हल्के हल्के कमी आती है, तो इसकी गति में भी कमी आती है। जब गति में कमी आती है तो नदी जब अपनी प्रौढ़ावस्था से, ओके, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करती है तो वहां पर निक्षेपण ज्यादा करती है। नदी क्या है? निक्षेपण ज्यादा करती है। और निक्षेपण करने से आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानों का निर्माण होता है। और फिर वो जब समुद्र में मिलती है उससे पहले आपको देखने को मिलेगा इस तरह से अपने द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं उनको बीच में इस तरह से डिपोजिट कर देती है। क्या कर देती है? बीच बीच में इस तरह से छोड़ देती है। ओके, इस तरह से
बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से छोड़ देती है और बीच में से इस तरह से वो निकलती है। क्या निकलती है? इस तरह से बीच में से निकलती है। और देखिए एक किस रूप में आपको देखने को मिलेगा, ये डेल्टा के रूप में देखने को मिलेगा। तो जो नदी होती है वो अपनी वृद्धावस्था में किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। ओके, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण के द्वारा, अवसादों के निक्षेपण के द्वारा। ओके, किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए और इसी तरह से आपको एस्चुरी भी देखने को मिलेगा। ये तो डेल्टा हो गया, लेकिन कहीं कहीं आपने एस्चुरी का नाम सुना होगा। एस्चुरी क्या होती है वो भी आप लोगों के लिए बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जब समुद्र में नदी मिल रही थी तब आपको देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं यहाँ पर नदी है वो समाप्त हो रही है। लेकिन एस्चुरी क्या होता है? जैसे कि कोई घाटी से, ये मानते हैं क्या है, इस तरह से कोई घाटी बनी हुई है। एक्चुअली हमको घाटी बनानी नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए ऐसे ही डायरेक्ट नदी है वो जाकर के समुद्र में मिल गई। ये नदी आ रही थी इस तरह से, नदी इस तरह से आ रही थी। अब मानते हैं ये क्या है, इधर सागर है। ये क्या है? इस तरह से सागर है। क्या है? इस तरह से ये सागर है। अब देखिए सागर में मिलने से पहले आपको देखने को मिलेगा कई भाग में डिवाइड नहीं हुई। डायरेक्ट जो नदी का मुख्य बेसिन था इसी बेसिन से होकर के ये कहाँ मिल गई? समुद्र में मिल गई, समुद्र में मिल गई या फिर महासागर में मिल गई। ओके, तो इसी के लिए बोलते हैं एस्चुरी बोलते हैं। इसको डेल्टा नहीं बोलते क्योंकि डेल्टा नहीं बनाई, एस्चुरी बनाई। तो एस्चुरी में आपको देखने को मिलेगा जो नदी का मुहाना होता है, नदी का मुहाना होता है ये पता नहीं चलता। ओके, मुहाना होता है यह है पता नहीं चलता। ओके, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि नदी कहां पर खत्म हो गई, समुद्र कहां से प्रारंभ हो गया, डायरेक्ट जा करके मिल जाती। ऐसा कब होता है? जब नदियां होती हैं। जब मुहाना का पता कब नहीं चलता है, एस्चुरी का निर्माण कब होता है? जब नदियां होती हैं, जब नदियां किसी जब नदियां किसी घाटी में घाटी से होकर बहती हैं, घाटी से होकर बहती हैं, होकर बहती हैं। जैसे कि नर्मदा और तापी नदी है, एक घाटियों से होकर के बहती है। तो ये आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर ये डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसी से पश्चिमी घाट से अधिकांश जो नदियां निकलती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एस्चुरी। ओके, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ओके, तो ये चीज देखने को मिल, जैसे ये भारत है। ओके, तो भारत का ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इधर की मैक्सिमम नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि क्या बनाती है? एस्चुरी ही बनाती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए टाइम भी हो गया है, वरना आप लोगों के लिए और बहुत सारी चीजें बताई जाती। ये सारी चीजें वैसे दोबारा से अभी ये सारी चीजें बहुत विस्तार में बढ़ाई जाएंगी। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय था तो सोचा कि आपके लिए ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि कल से हमारा जो जो टॉपिक है वो रॉक्स स्टार्ट करेंगे आपके लिए। और फिर वहां पर से समझाएंगे कि रॉक्स है वो आप कैसे पढ़ सकते हैं, फिर रॉक्स के बाद चट्टानों के बारे में पढ़ाएंगे, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे। फिर जब आप उनको एक बार अच्छे से समझ जाएंगे फिर हम लोग लैंड फॉर्म्स के ऊपर आएंगे और महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से सभी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये सारी चीजें आप लोग समझ में। देखिए अभी इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, अभी इनके बारे में बहुत ही विस्तार में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब विस्तार में। ओके, तो अभी तो हमने एक बेसिक नॉलेज ऐसी आपको दे दी,
बाद में हम लोग सब विस्तार में सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोगों के लिए आज की क्लास में कोई भी डाउट है छोटा मोटा, आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे। बताइएगा कोई भी आपको डाउट है तो बताइएगा, अगर आपको कोई भी डाउट है। ओके, यहाँ पर विवेक यादव बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। यहाँ पर सिप्रा सिंह बोल रहे हैं नो डाउट। ओके, आप लोगों को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाते हैं, तो डाउट्स तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर हो तो जरूर पूछना है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखना है अपने अंदर कि हम पूछेंगे तो हम क्या सोचेंगे। देखिए, आप लोग आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो आप लोग इस तरह से नोट्स बनाइएगा अच्छे से और ये सारी चीजें अच्छे से करते रहिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज का लेक्चर है यहाँ पर ही फिनिश करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके, कल हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, चलिए फिर चलते हैं। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।